चर्चा अभी बाकी है। तो और भाई लोग और उनकी बहन लोग, क्या हालचाल है यार। स्वागत है तुम लोगों का आजाद गेमिंग में पबजी के एक नए गेम प्ले वीडियो के साथ। अब देखो कल का वीडियो नहीं आया उसके लिए सॉरी भाई साहब, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा नींद आ रहा था। सीरियसली बोल रहा हूँ, मैंने सब कुछ रेडी करके रखा था, सिर्फ डबिंग करना था मुझे, थंबनेल बना के रखा था, आगे का इंट्रो बना के रखा था सीरियसली मैं, लेकिन नींद ऐसा आ रहा था, पता नहीं कब सोया मैं, 2-4 घंटे के बाद उठा तो मैं बोला ठीक है आज नहीं बनाते वीडियो। लेकिन भाई साहब नया मोड आया है, ब्लू होल मोड। अब आप लोगों को कैसा लगा ये मुझे नहीं पता, वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, लेकिन मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, सीरियसली बोल रहा हूं यार। मतलब क्या ही मोड है यार, अंदर जोन, बाहर जोन, बीच में रेड जोन, कहां जाएगा बंदा, मतलब कहां भगते, रोड पे भगते रहे, कितना देर भगेगा यार। मतलब और इस जोन, इस वाले मोड में कुछ खास नहीं है, मतलब कुछ भी चीजें, बहुत सारे मोड आए हैं यार पबजी में, लेकिन हर मोड में कुछ अलग चीज देखने को मिलता है, नई चीज देखने को मिलता है, लेकिन इस मोड में कुछ खास नहीं। मतलब बीच में एक ब्लू जोन भी दे दिया, तो उसमें कुछ खास नहीं, मुझे नहीं लगता कि हम ब्लू जोन में नहीं जाएंगे, हमें पहले से ही पता है वो चीज नई नहीं है कुछ। और भाई साहब स्टार्टिंग में मैंने जो 1v4 का क्लच लगाया ना, वो बता देना यार कैसा था। और चिंता मत करो, एक क्लच नहीं है, आगे और भी ज्यादा क्लच देखने को मिलेगा, मतलब कतई इससे भी 3 गुना ज्यादा मजेदार क्लच देखने को मिलेगा। ये तो एक घर में 4 लौंडे थे, लेकिन भाई साहब अगला जो क्लच आएगा ना, उसमें एक टीम के 3 गाड़ियां आएगी भाई साहब। हाँ, एक टीम की 3 गाड़ियां आएंगी, कहाँ कहाँ से आएगी वो सारा कुछ देखने को मिलेगा आगे आपको, तो वीडियो में बने रहो, स्टार्ट से लेके एंड तक देखना, सीरियसली कतई मजेदार वीडियो है। तो सोलो वर्सेस स्क्वाड का गेम प्ले है, कतई मजेदार है। तो भाई साहब शुरू करते हैं, और इसी के साथ मैं उतर जाता हूँ रोजॉक में, और भाई साहब मेरे पड़ोस में ही एक लौंडा, वो भी सोलो उतरा है, तो मैं बोलता हूँ बहुत बढ़िया, लूट लो जो भी मिलता है तुमको उस घर से लूट लो। और भाई साहब मुझे भी UMP 45 मिल जाती है और शॉट गन मिल जाती है दोनों, तो मैं बोलता हूँ ठीक है चलो लड़ने के लिए चलते हैं। और भाई साहब इसके साथ जो लड़ाइयाँ होगी ना, गजब की होगी, बस देखते रहो। मुझे लगता है कि बीच वाले में बंदा है, लेकिन कहीं और होता है वो। और भाई साहब वो सीढ़ी पे बैठा होता है, मैं अंधा घुसता हूँ, उसकी शॉटगन सीधी मेरे को लगती है, मेरी थोड़ी सी हेल्थ बचती है, बाकी तो वो भाग जाता है डर के मारे जब मैं UMP चलाता हूँ। और अब देखो जो तबाही होने वाली है ना, सीरियसली मैं गजब की होने वाली है, मैं भी अंधा रश करूँगा। और भाई साहब कतई जहर शॉट मारा मैंने शॉटगन से यार, कतई मुझे मजा आ गया देख के यार, मतलब 360 घूम के मारा हूँ यार, कतई जहर शॉट था वो। आप लोगों को कैसा लगा यार जरूर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में यार, मतलब सीरियसली बोल रहा हूँ कतई जहर शॉट था उसको। मतलब पहले मैं UMP से मारना चाहता था, गोली खत्म हो गई, मैं बोला शॉटगन निकालो और पेलो, और भाई साहब गजब का शॉट था वो। और इसको मारने के बाद एक मुझे सामने निहत्था बंदा, मतलब किसी ने नॉक क्यों किया कैसे किया अपने को नहीं पता, लेकिन किल चुराने हम पहुंच गए। और भाई साहब उसके बाद जोन के अंदर मुझे बॉट दिखता था, उसको नॉक करके छोड़ देते हैं, उसका किल आराम से मुझे मिल जाता है बाद में। लेकिन भाई साहब यहां से निकलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहां पे कोई बंदा मुझे नजर नहीं आ रहा था, तो मैं सबसे पहले यहां से निकलने की कोशिश किया, एक ड्रॉप के पास पैदल ही भागने लगा, क्योंकि आस पास में ही एक ड्रॉप गिरी थी, तो भाई साहब गाड़ी वाड़ी तो मिल नहीं रही थी, तो मैं पैदल ही भागना चालू कर दिया। और यहां पर जो सीन क्रिएट होने वाले हैं ना, सीरियसली बोलता हूं तबाही हो जाएगा। मतलब पहले से ड्रॉप लूटा जा चुका है ये मुझे पता चल गया है, क्योंकि गोलीबारी कहीं से चल रही है, बाइक वाइक लेके भागा जा रहा है, तो मैं समझ गया हूं कि ड्रॉप तो लूटा गया, लेकिन उसके बाद की भाई अब देखो। और भाई साहब इसको तो मैं रेड डॉट से जैसे तैसे नॉक कर देता हूँ, लेकिन भाई साहब फिनिश नहीं करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि अकेला बंदा है, बाइक से आया था, इसको जाके उसके पास मारेंगे, मतलब लूटने के लिए भी गोली वोली की थोड़ी कमी है अपने पास, तो बचाएंगे। लेकिन भाई साहब हमें क्या पता था कि इसका सारा लौंडा इधर ही बौक रहा, और अभी भाई साहब इसकी पलटन आने वाली है, मतलब एक लौंडा दूर से फायरिंग करेगा, दूसरा लौंडा, तीसरा लौंडा गाड़ी पर बैठ के आएगा, मतलब कैसे कैसे आएगा, और इसको मैं क्या क्या करके कैसे कैसे मारूंगा भाई साहब, देखते रहो कतई मज़ा आ जाएगा, सीरियसली बोलता हूँ।
और भाई साहब दोनों लॉन्डो ने पूरी मेहनत की अपने टीममेट की जान बचाने की, लेकिन मैं उसको जानबूझ के फिनिश पहले करता हूं क्योंकि भाई साहब एक तो अपने पास एमो नहीं है, यदि मैं उसको फिनिश कर देता हूं तो वो लोग थोड़ा सा सेफ खेलने लगेगा, मतलब नहीं तो भाई साहब गाड़ी लेके मेरे ऊपर घुस जाता, लेकिन वो लोग अभी दूर चल गए तो मैं फटाफट पहले एमो लूटूंगा उसके बाद की तबाही। देखो अब तीनों लॉन्डे एक साथ आएंगे। और भाई साहब आप लोगों ने अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया ना तो प्लीज लाइक का बटन दबाओ यार, यही मौका है, कतई उजला से नीला टाइप कर दो उस लाइक के बटन को। और भाई साहब आप असली पबजी लवर्स हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर लो ताकि हर एक मजेदार वीडियो रोज आप तक पहुंच जाए यार। और कतई सीरियसली मैं मजा आ गया ये क्लच देख के भाई साहब, मतलब पहला लौंडा को तो मैंने गाड़ी से गिराया, दूसरे को मतलब बग्गी पे आया उठ के, पता नहीं कैसे कैसे वो लौंडे ने मेरी पूरी हेल्थ खा ली थी, लेकिन भाई साहब उसको मैं नॉक कर देता हूं, लेकिन मुझे पता नहीं होता कि मैं नॉक कर देता हूं उसको, लेकिन फिर भी देखता हूं नॉक हो चुका है। तीसरा लौंडा भाई साहब गाड़ी से हुलुक बुलुक की कहां देख रहे थे भाई साहब पता नहीं, और तीसरे बंदे को भी मैं फिनिश करता हूं और भाई साहब कतई मजा आ जाता है सीरियसली। और यहां से मैं गाड़ी चेंज करता हूं, उसके बाद मैं सीधा जोन में निकलता हूं क्योंकि भाई साहब जोन हो चुका था छोटा और बंदे बचे थे 12, और मैं सीधा इस घर के पास रोकता हूं क्योंकि मैं सोचता हूं इस घर में शायद बंदे होंगे या आस पड़ोस में बंदे होंगे तो मैं चेक कर लेता हूं, लेकिन यहां से ना मुझे कोई बंदा दिखता है और ना इस घर में कोई बंदा होता है, तो मैं यहां से निकलने की कोशिश करता हूं क्योंकि बंदे चाहिए मुझे, किल चाहिए। तो भाई साहब जैसे ही यहां से निकलने लगता हूं वैसे ही फायरिंग होती है, फिर उसके बाद देखो क्या करामत होते हैं। और इस भाई साहब को तो मैं नॉक कर देता हूं लेकिन लौंडा चला जाता है पेड़ के पीछे, तो मैं समझ जाता हूं कि कोई ना कोई इसका पार्टनर भी यहां पे मौजूद है भाई साहब, तो मैं डायरेक्टली रश नहीं करता हूं क्योंकि सांप वाप कहीं पे भी बने रहते हैं। तो भाई साहब मैं वेट करता हूं थोड़ी देर लेकिन नहीं आता और अपने ऊपर जोन आ रहा था, तो मैं बोलता हूं जल्दी से फिनिश करके इसको यहां से निकलना पड़ेगा। तो भाई साहब मैं गाड़ी उठाता हूं और इस पर रश करता हूं। और ये नागिन का बच्चा भाई साहब अपने पार्टनर तक को बचाने के लिए नहीं आता है, सीरियसली बोलता हूँ मैंने बहुत ज़्यादा देर तक वेट किया, मैंने आपको वो क्लिप पूरा फास्ट फॉरवर्ड में दिखाया है, बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड में दिखाया है, मैंने वेट किया इस लौंडे का कि आएगा, लेकिन भाई साहब कोई नहीं आया इसका पार्टनर, और वो उधर नाग अलग तरीके से बना हुआ है भाई साहब। मैं जैसे ही इसको मारा भाई लूट ही रहा था कि लौंडा फटाफट गोलियां बरसाने लगता है, वो तो मैं भला करूँ कि मेरा थोड़ा सा ईयरफोन सब लगाए हुए हूँ, फटाफट किसी तरीके से पता चल गया कि गोली उली किधर से आ रही, तो मैं कवर ले लिया तो मैं बच गया। और भाई साहब मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि कहां पे सोया हुआ है लेकिन दिखता नहीं है, तो उसके बाद जोन भी भाई साहब हमारे चूतर पे चिपक जाते हैं, तो मैं बोलता हूं यहां से निकल लो फटाफट नहीं तो वो भी मरेगा अपने को भी मरवाएगा, तो मैं फटाफट जोन के अंदर पहुंचता हूं। और भाई साहब मैं जैसे ही जोन के अंदर पहुंचता हूं बचते हैं 6 लौंडे और 6 के 6 लौंडे एक जगह पे फाइट कर रहे हैं भाई साहब देखो। और भाई साहब मैं आया था तो 6 लौंडे बचे थे लेकिन अभी बचे हुए हैं 3, 3 लौंडे ठिल गए मेरे आंख के सामने, और मैं रश भी नहीं कर सकता उनके ऊपर डायरेक्टली क्योंकि कहां पे लौंडे लेटे हुए हैं, एक लौंडा लेटा है, 2 लौंडे लेटे, पता नहीं 3-4 कितने लौंडे लेटे हैं कहां कहां पे, तो मैं डायरेक्टली रश नहीं कर सकता, मैं कवर ले के ही खेल रहा हूं। और भाई साहब मैं कवर लेता हूं, एक नेट वेट फेंकने की कोशिश करता हूं क्योंकि बचे मेरे अपोजिट में 2 लौंडे, और भाई साहब वो कहां पे हैं अभी, मैं लूटने की भी कोशिश करता हूं कि पास में से किसी तरीके से नेट वेट अपने पास खत्म हो चुका है, तो नेट वेट लूटने की कोशिश कर रहा हूं मैं, पास में एक डब्बा पड़ा है तो, और भाई साहब उतने देर में कोई कार 98 पटका देता है भाई साहब देखो। उसके बाद फिर मैं बोलता हूं जोन में भी जाना अपने को, तो फिर उसके बाद का देख लो यार कारनामा देखो।
और इसी के साथ हो जाता है एक बेहतरीन चिकन डिनर। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। जिन लोगों को भी वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर लो, ताकि इस तरीके का मज़ेदार वीडियो हर रोज़ आप तक भी पहुँच पाए। और भाई साहब आप लोगों का सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है अभी, तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहो इसी तरीके का जिस तरीके का तुम लोग सपोर्ट दिखा रहे हो। और भी ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करो अपने तमाम दोस्तों के साथ, जितने भी कलीग्स हैं, जितने भी पबजी लवर्स हैं, उन लोगों के साथ वीडियो को शेयर करो और मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो, ताकि इस तरीके का चैनल और भी ज़्यादा ग्रो हो पाए और मैं आप लोगों के लिए भरपूर मनोरंजन कर पाऊँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।